दोस्तों सबसे पहले सब्सक्राइब करें, नोटिफिकेशन बेल दबाएं और सबसे पहले वाली ऑप्शन ऑल करें जिससे हमारी आने वाली नई वीडियो की नोटिफिकेशन आपको फौरन मिल जाएगी। जय श्री राम भक्तों। दोस्तों ये कहानी बहुत ही अच्छी है, कथा को पूरा सुन के लाइक जरूर करें। चलिए कथा की ओर चलते हैं। आज की कथा है बैल बना ब्राह्मण का भाई और राजा। आइए कथा श्रवण करें। बहुत समय पहले की बात है, किसी नगर में एक राजा राज करते थे। जब वह राजा छोटे थे तब उनकी माँ का देहांत हो गया था। चूंकि वे बहुत छोटे थे इसलिए उन्हें माँ के दूध की जरूरत थी। महल में तब एक दासी रहती थी जिसका एक शिशु भी दुधमुहा था। वह नन्हे राजकुमार को दूध पिलाने को राजी हो गई। दासी का वह पुत्र वह राजकुमार दोनों साथ साथ दासी का दूध पीते। दासी के पुत्र का नाम हरीश था। क्योंकि हरीश व राजकुमार ने एक ही स्त्री का दूध पान किया था इसलिए वे दूध भाई हो गए थे। राजकुमार को भी उसके साथ लगाव हो गया था। समय बीतता रहा, राजकुमार अब राजा बन गए थे और देश के सर्वाधिक शक्तिशाली सम्राट थे। लेकिन हरीश एक मामूली दरबारी तक ना बन पाया। उसकी मित्रता जुआरियों के साथ थी और कुछ ऐसे लोग भी उसके साथी थे जो पैसा फिजूल बहाया करते थे। एक समय ऐसा आया जब हरीश के पास दो समय के लिए भोजन के लिए भी पैसे न बचे। लोगों ने तब उसे राजा के पास जाने को कहा। हरीश ने राजा के पास जाने की तैयारी शुरू कर दी। हरीश के दरबार में पहुंचते ही राजा ने उसे ऐसे गले लगाया जैसे उसका सगा भाई ही हो। लंबे अरसे के बाद हरीश को देख राजा बेहद खुश हुए। उन्होंने उसकी हर संभव सहायता करनी चाही। हरीश को राजा ने दरबार में नौकरी भी दे दी, रहने के लिए बड़ा मकान, नौकर चाकर, घोड़ा गाड़ी भी दी। निजी खर्च के लिए एक मोटी रकम हर महीने उसको मिलती थी। अब हरीश की जिंदगी एकदम आराम से गुजर रही थी। उसे किसी चीज की कोई कमी नहीं थी। यदि तुम्हारी कुछ और जरूरतें हों तो बेहिचक कह डालो, सब पूरी की जाएंगी, राजा ने हरीश से कहा। तब हरीश ने जवाब दिया, आपने अब तक जितना दिया है वह काफी है ठाठ बाठ से जीवन बिताने को। आपने मुझे इज्जत दी, सम्मान दिया, सर उठाकर चलने की हैसियत भी दी। मुझसे ज्यादा खुश और कौन होगा। मेरे लिए यह भी गर्व की बात है कि देश का राजा मुझे अपना भाई मानता है। और क्या चाहिए हो सकता है मुझे। कहते हुए उसने सिर खुजाया, होंठों पर एहसान भरी मुस्कान थी। लेकिन लगता था उसे कुछ और भी चाहिए था। वह बोला, मैं महसूस करता हूं कि ब्राह्मण जैसे बुद्धिमान व योग्य व्यक्ति के साथ रहूं। मेरी इच्छा है कि जैसे ब्राह्मण आपका सलाहकार है वैसा ही मुझे भी कोई सलाह देने वाला हो। दोस्तों राजा के दरबार में एक ब्राह्मण था जो बहुत ही बुद्धिमान और चतुर था और वह राजा का प्रमुख सलाहकार था। राजा उस पर बहुत ही विश्वास करता था इसलिए हरीश भी उसके जैसा ही सलाहकार चाहता था। राजा ने हरीश की यह इच्छा भी पूरी करने का फैसला किया। उन्होंने ब्राह्मण को बुलाकर कहा, हरीश मेरे भाई जैसा है, मैंने उसे जीवन के सभी ऐशो आराम उपलब्ध करा दिए हैं, लेकिन अब वह तुम्हारे जैसा योग्य सलाहकार चाहता है। तुम अपने जैसा बल्कि यह समझो अपने भाई जैसा कोई व्यक्ति लेकर आओ जो हरीश का मन बहला सके। वह बातूनी ना हो पर जो भी बोले नपातुला बोले, उसके बात का कोई मतलब होना चाहिए। समझ गए कि मैं क्या कहना चाहता हूं। पहले तो ब्राह्मण समझ ही ना पाया कि राजा ऐसा क्यों चाहते हैं। उसे हरीश में ऐसी कोई खूबी दिखाई ना देती थी। जी महाराज, ब्राह्मण बोला, आप चाहते हैं कि मैं ऐसा आदमी खोजकर लाऊं जो मेरे भाई जैसा हो। ठीक समझे हो, राजा ने कहा। अब ब्राह्मण सोचने लगा कि ऐसा कौन हो सकता है जो उसके भाई जैसा हो। हरीश भाग्यशाली है जो राजा उसे अपना भाई मानते हैं और उसे सारे ऐशो आराम उपलब्ध करा दिए हैं। लेकिन ब्राह्मण को हरीश की यह मांग जची नहीं।
कि उसके पास भी ब्राह्मण जैसा सलाहकार हो। राजा बेहद सम्मान करते थे ब्राह्मण का, और ब्राह्मण भी राजा पर जान छिड़कता था, लेकिन हरीश तो इस लायक कतई नहीं था। अब ब्राह्मण सोच ही रहा था कि समस्या को हल कैसे किया जाए, तभी पास की पशुशाला से सांड के रंभाने की आवाज आई। ब्राह्मण तुरंत खड़ा हो गया, आखिरकार उसे अपने भाई जैसा कोई मिल ही गया था। अगले दिन उस सांड के साथ ब्राह्मण महल में जाकर राजा के सामने खड़ा हो गया। तुम अपने साथ इस सांड को लेकर यहाँ क्यों आए हो ब्राह्मण, राजा ने पूछा। यह मेरा भाई है महाराज, ब्राह्मण बोला। हम दोनों एक ही माँ का दूध पीकर बड़े हुए हैं, गौ माता का दूध पीकर, इसलिए यह सांड मेरे भाई जैसा है, यह दूध भाई है। यह बोलता भी बहुत कम है, जो इसकी भाषा समझ लेता है उसे यह कीमती सलाह भी देता है। इसे हरीश को दे दें, मेरे जैसा सलाहकार पाने की उसकी इच्छा पूरी हो जाएगी। ब्राह्मण का यह उत्तर सुनकर राजा को अपनी गलती का एहसास हुआ। तब उन्हें लगा कि जैसे उन जैसा कोई दूसरा नहीं, वैसे ही ब्राह्मण के जैसा भी एक ही है। उन्होंने अपने उस भाई की उस इच्छा को गलत ठहराया और उसे नामंजूर कर दिया। दोस्तों, आपको यह कथा कैसी लगी, अपने विचार और सुझाव कमेंट में जरूर दें। हमारी कथाओं को लाइक करें, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें, हमारी कथाओं को शेयर जरूर करें जिससे लोगों को अच्छा ज्ञान प्राप्त हो। जय श्री राम भक्तों।